Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। अब वो एक और बड़ी मुश्किल में फंसता नजर आ रहा है। बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक माफिया मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस केस में बाराबंकी जेल भेजा जाएगा। बाराबंकी जेल में होगी पूछताछ। मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस मामले में पेशी 14 जून को बाराबंकी में होगी। एम्बुलेंस के फर्जी कागजात से रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में 14 जून को मुख्तार अंसारी को न्यायालय में तलब किया जाएगा। इसके लिए प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नंद कुमार ने भी बी वारंट जारी किया है। अदालत में पुलिस ने बताया है कि एम्बुलेंस मामले में फर्जी पते से पंजीकरण में मुख्तार अंसारी की संलिप्तता सही बताई जा रही है। बात करें तो जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल के दौरान जिस तरीके से योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, उसके बाद से मुख्तार अंसारी की रोपड़ में कोर्ट में पेशी थी जिस पर वो सवार होकर गया था, उसी एम्बुलेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था, क्योंकि वो पंजाब में एम्बुलेंस थी लेकिन नंबर जो था वो उत्तर प्रदेश का था, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई और बात ये होने लगी कि आखिरकार मुख्तार अंसारी को ये यूपी नंबर की एम्बुलेंस कहाँ से मिली। बात करें तो पूर्व DGP ब्रिजलाल जो हैं उन्होंने कहा था कि ये मुख्तार अंसारी का कोई आम एम्बुलेंस नहीं है बल्कि चलता फिरता किला है और इसमें मुख्तार अंसारी जो है हाई सिक्योरिटी के साथ सारी व्यवस्थाओं के साथ इस एम्बुलेंस में नज़र आता है, जिसको लेकर पूरे देश में इस एम्बुलेंस की चर्चा होने लगी और मुख्तार अंसारी की मुश्किलें उसी के बाद से लगातार बढ़ती नज़र आ रही है। सरकार ने इस मामले की जांच करने लगी, जिसके बाद बाराबंकी से लेकर मऊ से लेकर तमाम ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें इस एम्बुलेंस को दिलवाने में संलिप्तता नज़र आ रही थी, जिसमें सबसे बड़ा नाम अलका राय का था जो कि संजीवनी हॉस्पिटल की डायरेक्टर थी। तो कहीं ना कहीं अब मुख्तार अंसारी की और भी मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी को अब जो है बाराबंकी जेल भेजा जा सकता है और जो संलिप्तता है मुख्तार अंसारी की वो इस एम्बुलेंस प्रकरण में पाई जा रही है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइए। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.